Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. I hope कि आप सब खैर खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है इधर. सो आज जो है फ्राइडे है और आज वीकेंड है, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना ब्लॉग बनाऊँ, डे इन माई लाइफ वीकेंड एडिशन, कि मैं अपने वीकेंड में क्या करती हूँ. सो अभी जो है ना काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे उठे हुए, लाइक 4-5 घंटे हो चुके हैं मुझे उठे हुए. मैं उठी थी, इसके बाद फ्रेश वगैरह हुई, फिर मैं बैठी रही, मैं लंच किया, मुझे बहुत सुस्ती आ गई थी, मैं कुछ करने में दिल नहीं कर रहा था. लाइक 2 घंटे में सिर्फ घड़ी को देखती रही, अच्छा मैं अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ यही सोचती रही हूँ. और इसके अलावा जो है ना फिर मैंने कहा चलो फाइनली उठ ही जाती हूँ, मत करके, क्योंकि फिर 2-3 घंटे बाद जो है ना बाहर भी जाना है, तो फिर काम जो है ना मैंने करना है अभी थोड़ा सा. और इसके अलावा देखिए अभी तरफ क्या टाइम हुआ है, जो है ना 4 बज चुके हैं ऑलमोस्ट. मुझे मैं 12 बजे के करीब उठी थी, 12 बजे हाँ. उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, लंच किया, बस बैठ के टीवी देखती रही, स्क्रॉल करती रही हूँ. अभी जब मैंने एक नया व्लॉग अपलोड किया है अपनी फ्रेंड की वेडिंग का, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ अभी जाकर इसको देखें और लाइक करें, कमेंट भी करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें. और इसके अलावा जो है ना मैं आज वीकेंड है, तो मैं वीकेंड में मोस्टली जो घर के काम करती हूँ, लाइक लॉन्ड्री करती हूँ. मैंने अभी कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए धोने वाले, ये थोड़े से रखे हुए हैं, थोड़े भी जो वॉशरूम में पड़े हैं. उसके अलावा जो है वैस ने बोला था मुझे पैंट इस्त्री करके रख देना मेरी, तो वो भी इस्त्री करूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि अपने कपड़े भी इस्त्री करूँगी. तो और इसके अलावा जो है एक साइकिल जो है ना मेरा लॉन्ड्री का हो चुका है, मैंने बेडशीट चेंज की थी तो मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई है, वो भी बन गई मशीन, तो इसको भी निकाल कर डालती हूँ स्टैंड में. उसके अलावा जो है ना मैं आज मैंने कीमा निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि वैसे तो मैं यूजुअली जो है ना मैं वीकेंड में खाना नहीं बनाती, लेकिन आज मुझे वैसे नहीं कहता कि कुछ खाने को बना देना, वैसे जॉब पे गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि कीमा पड़ा हुआ है कीमा बना लेते हैं. आई डोंट नो कितना अरसा, आई थिंक इट्स, मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कीमा कब बनाया था. सो ये भी एक तरह से ट्राई होगा, क्योंकि मैं कीमा बनाया बहुत देर हो गई है, तो आज जो है ना मैं कीमा डिफ्रोस्ट हो गया, मैं बस अभी इसके लिए ना चीज़ें वगैरह काटूँगी, फिर कीमा बनाएंगे. और अभी जो है ना मैं सबसे पहले अपनी लॉन्ड्री से कपड़े निकालती हूँ, दूसरे कपड़े डालती हूँ, ताकि मेरे जाने से पहले, क्योंकि शाम को 7 बजे या ऑलमोस्ट 7 बजे ना बाहर जा रहा है मैंने, तो उसको निकाल के डालती हूँ. और इसके अलावा जो है ना मैंने वैक्यूम भी करनी है, क्योंकि रात को बच्चे आए थे तो देख सर गन डला हुआ है, तो फिर मैं सोचा कि वैक्यूम भी कर लेती हूँ. डस्टिंग तो मेरी होती रहती है, यहाँ पर जितनी मर्ज़ी डस्टिंग कर लो मट्टी तो यूँ आती है, जैसे स्वाब का काम है. ऊपर से मेरा फर्नीचर ब्लैक है, तो आई फील लाइक मैंने गलती की है ब्लैक ब्लैक ये सब चीज़ें लेकर, क्योंकि इस पर मट्टी इतनी जल्दी नज़र आती है, फिर मुझे टेंशन होती है इसे देख के, फिर मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ. और सोफे भी थोड़े से आज वैक्यूम कर दी, क्योंकि काफ़ी धागे वगैरह बाल वगैरह लगे हुए इसके ऊपर. और आई विल कैच अप विद यू गाइस अगेन. सो गाइस सफाई वगैरह जो है ना हो गई है, कपड़े भी मशीन में डले हुए हैं, अगर आवाज़ आ रही होगी तो. तो अब जो है ना 5 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और मैं अपना खाना बना ले रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ शिनवारी मटन कीमा कढ़ाई, ऐसा कुछ नाम है. मैंने उसकी रेसिपी देखी, सिंपल सी है ना, कुछ प्याज वगैरह काटने नहीं पड़े, तो मैं सोचा कि चलिए यही बना लेते हैं. सबसे पहले ना मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, आई थिंक कीमा जो है मेरा 1/2 किलो या मुझे लग रहा है 750 ऐसे कुछ ग्राम है, मुझे पता नहीं कितना है, तो मैं इतना ही तेल यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक काफ़ी, इतना तेल कम लगेगा तो और डाल लेंगे. सो ये मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, जीरा 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून लगा ली, सिनेमन स्टिक है, काली मिर्च है, कार्डमम है, और जो लौंग है 4-5 है, सब मैं इसमें ऐड करी हूँ. तेल करूँगी, और उन्होंने तेल ज़्यादा है कि कम है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मैं इतना तेल डालती नहीं हूँ यूजुअली. अब मैं कीमा ऐड कर लूँगी इसमें, इसको भी अच्छी तरह से भूनना है हमने 5-6 मिनट मैक्सिमम, मीडियम फ्लेम करूँगी, थोड़ा सा फ्लेम मेरी कम है, अच्छी तरह से भूनूंगी, भून के मैं दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी. 5 मिनट के लिए कवर करूँगी, उसके बाद फिर इसको भूनेंगे. 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ कि अभी देखूँ ढक्कन खोल के क्या सिचुएशन है.
सो मुझे 4 से 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इस पॉइंट पे ना मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मैं ना अभी हाफ टीस्पून ही डाल रही हूँ, मुझसे यूजली सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है खाने में। रेड चिली पाउडर भी ऐड करी मैं, ऐड कर रही हूँ ज़्यादा ना हो गया। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी डाली बस इतनी सी। तो है ना हम टमाटर ऐड करेंगे, इसमें हाफ करके रखे हैं टमाटर, इनको इसमें ऐड करें क्योंकि हमने इसका छिलका उतारना है। टमाटर से ना हमारी ग्रेवी बनेगी। अंदर के पकाएंगे 10 मिनट के ताकि जो टमाटर की स्किन नरम हो जाए। सो ऑलमोस्ट ना 15 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं कि टमाटर जो है नरम हुए कि नहीं, क्योंकि हमें इसकी स्किन रिमूव करनी है। मुझे बस इस चीज़ में ये काम पसंद नहीं, जो स्किन रिमूव करने वाला ना। मैं 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और कर देती हूँ ताकि तो स्मेल वगैरह ना आए। अब जो इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है कि टमाटर जो है ना मैश हो जाए उसके अंदर ही। मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा कीमे का टेस्ट आएगा। अब तो इसमें मैं आधा कप देंगे डाली। जब मीट पकाती हूँ तो फिर चखने का बहुत मसला आता है, अभी इसका मसाला चखना है मैंने। दही को अच्छी तरह से भूनेंगे इसमें, और मेरा काम ख़राब हो गया। ये देखिए ज़रा, मैं जब दही मिक्स कर रही थी तो मेरे हाथ से डब्बा गिर गया दही का, और ये सारा भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा। रियली अनॉयड और अपने आप के ऊपर ही कि मैंने क्यों किया, ये मेरे हाथ से स्लिप हो गया। एनीवेज बैक टू सालन। मैंने ना इसको अच्छी तरह से भून लिया था, इसमें हरी मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड की है, और बस भूना है इसको अच्छी तरह से। तरी इसके ऊपर आ गई है, अब मैं इसके ऊपर अदरक डाल रही हूँ। सो जी गाइस, मैं जो है रेडी हो गई हूँ। दीपा को मैंने कहा था मैं 6 बजे तक रेडी हो जाऊँगी, लेकिन अभी जो है ना 6:30 हो रहे हैं, तो जाकर देखती हूँ क्योंकि बच्चे तो वगैरह सब रेडी हो गए हैं, बस मेरा वेट कर रहे हैं। मैं खाना वगैरह बना रही थी, मैं लेट हो गई, तो अभी जो है बस मैं निकल रही हूँ। सो लेट्स गो। We are here, अरहम की फेवरेट प्लेस एवेन्यूज। हम जा रहे हैं सपोरा, तेवा कह रही सपोरा में सेल लेके, तो उसने वो देखना था, वहीं जा रहे हैं देखने सपोरा। सो अभी हम यहाँ पे आए लेडियोर में। सना जो है ना इनका मैकरून ट्राई करने लगी, मैंने शुगर छोड़ी हुई ना, मैं भी डेफिनेटली ट्राई करती। सना यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स लगे हुए हैं। सना कौन सा फ्लेवर ले रही है? वनीला। मैंने पाकिस्तान में खाया था मोका का चॉकलेट का, बहुत मज़े का था। सना वनीला चॉकलेट का था। चल सना चलो अब खा कर बताओ क्या हटे। देखे लोग सुबह भी देख रही, मैं तो नहीं खा रही, मैंने तो नहीं खा रहा, मैंने चुनी छोड़ी हुई है ना, अगर मैंने ना छोड़ी मैं चॉकलेट चॉकलेट वाला पकड़ के ट्राई ना करती। सेफोरा में लगता है रश नहीं है, रश मुझे लगता है सेल खत्म हो गई है। नहीं, यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है एवेन्यूज में, आई थिंक इन्होंने कोई वेडिंग को लेकर ना एग्जीबिशन लगाई गई, तो उसके लिए प्रमोशन कर रहे हैं। दो ब्राइड्स बनी हुई हैं, एक उस तरफ से पता नहीं कहाँ गई है। ड्रेस अच्छा लग रहा है, ठीक लगाया उन्होंने। वाल्डर्फ एस्टोरिया का भी प्रमोशन हो रही है, हर चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे, गाउन्स एंड ऑल।
हमने ये वाफल कौन लिए पिंक बेरी से, और हमने एक्चुअली तबारक ने पहले ली तो और हम कहते उसको भी चाहिए तो फिर उसने भी लिए। तबारक भी खा रही थे, तबारक वो देख कागज खा रही, तबारक नो नो ओनली वाफल, वो देख पेपर खा रही। तैयबा ने यहाँ से ये फ्रेशनर लिया है कपड़ों के लिए, घर के लिए, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। स्मेल भी बहुत अच्छी है, लाइक 7.5 की प्राइस की, तो प्राइस भी अच्छी है, बाई टू गेट वन के पास ऑफर भी लगी हुई है। ये है अतियाफ, ये जो है ना फेस फोर में नया खुला है फन जोन पार्क, और लाइक 5-6 महीने हो गए लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। तो और हम जो है ना अभी 2 हफ्ते से यहीं पे आ रहा है, यही पसंद आया था और यहाँ ज़्यादा रश भी नहीं होता। देखें लिटरली खाली है, ज़्यादा लोग नहीं है। Play your own. Guys, हमने यहाँ काफी शूज ले रहे थे, अभी शूज शॉपिंग हो चुकी है इन लोगों की और अब जो हम निकल रहे हैं, I don't know, next stop क्या हमारा, यहाँ पता नहीं बच्चे भाग भाग के, ये देखे जरा अहमद भी आ गए। अहमद अहमद नोमी भी आ गया। तो यहाँ पर जो है ना सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, तो अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट कुछ खाने को देखने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 11:15 हो गए और 11 बजे लास्ट ऑर्डर होता है, तो रेस्टोरेंट जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमें। बस अभी हम लोग खा के निकले हैं मैकडॉनल्ड्स, हमें एंड पे वही मिला खाने को, और अभी जो है ना 12 बज गए, बस घर जाने की तैयारी करें।